सकीना है ना वो सफाई कर दिया करेगी, सबीन को क्यों तकलीफ देना। सबीन कोई गैर तो नहीं ना है, तो भाई की बेटी है और इस घर पे उसका भी हक है। जब उसको कोई एतराज है तो तुम्हें क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरा मेरा बच्चा, उसको आए हुए सिर्फ 3 माह हुए लेकिन यूं लगता है कि जैसे बहुत अरसे से वो हमारे साथ रह रही है। शाहजैन, मैं सोच रही थी कि उसे शादी की बात दोबारा करूं। अपनी इस दौलत की हवस को मेरी मां की नफरत का नाम ना दो सबीन, क्योंकि सच्चाई यही है जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया और जिसके लिए तुम आज यहां खड़ी हो। इस घर में, शाहजैन के घर में, वही शाहजैन जिससे तुम रात के अंधेरे में मिलने गई थी, मेरी मोहब्बत का सौदा किया था तुमने। अगर मुझे पता होता तुम ये सब कहने आए हो तो मैं पप्पू को मना कर देती, तुम्हारे सामने कभी ना आती। तुम यहां? तुमने ठीक कहा था शाहजैन, दौलत में बड़ी ताकत होती है जिससे कुछ भी खरीदा जा सकता है, लोग भी, उनसे जुड़े जज्बे भी, रिश्ते भी और इश्क भी। मैंने सबीन से इश्क किया और तुमने अपनी दौलत से वो इश्क खरीद लिया, मुस्तफा का इश्क। लेकिन एक बात याद रखना शाहजैन, कि मुस्तफा का इश्क है, तुम्हें इतनी आसानी से रास नहीं आएगा। तुम इस काबिल नहीं थे कि वो तुम्हें अपनाती। दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी की वजह ढूंढना बहुत आसान है। सबीन यहां पे इसलिए कि वो ये सब डिजर्व करती है, ये पैसा, ये ऐशो इशरत, ये गाड़ियां, सब कुछ। क्या तुम ये सब दे सकते थे उसे? तुमने तो उसे वो भरोसा और एतमाद तक नहीं दिया क्योंकि वो सिर्फ तुमसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम इस काबिल नहीं थे कि वो तुम्हें अपनाती। दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी की वजह ढूंढना बहुत आसान है। सबीन यहां पे इसलिए है कि वो ये सब डिजर्व करती है, ये पैसा, ये ऐशो इशरत, गाड़ियां, सब कुछ। क्या तुम ये सब दे सकते थे उसे? तुमने तो उसे वो भरोसा और एतमाद तक नहीं दिया क्योंकि वो सिर्फ तुमसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। झूठ है ये, बकवास। इन दोनों ने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया, एक ने दौलत की लालच में और दूसरे ने दौलत और ताकत के नशे में, और अब मुझे इल्जाम दे रही। वो ही हुआ जिसका डर था। फूफू ने फिर से शादी की बात छेड़ दी
जब मैं पहले ही इनकार कर चुकी हूं, फिर क्यों वो इसरार कर रहे? कहीं शाहजैन ने तो पप्पू से बात नहीं की? हो सकता है शाहजैन ने ही पप्पू से बात की, वरना पप्पू दोबारा ये बात क्यों करेंगे? मुझे शाहजैन से खुद बात करनी होगी। एक सेकंड यहां बैठ। मुझे तुमसे माफी मांग, मुझे तुमसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। क्या कह रहे हो मुस्तफा? तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया वही काफी है। और मैं तो उस बात को कब से भूल चुकी हूँ। क्या तुम्हें मेरा थप्पड़ मारना बिल्कुल बुरा नहीं लगा सोबी? एक अरसे से तुम्हारी मोहब्बत को इस घर में परवान चढ़ते देखा है मैंने। उस मोहब्बत में बेवफाई का दर्द मैं समझ सकती हूँ। तुम इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हो उसका एहसास है मुझे, और शायद उसी ज़हनी दबाव में तुम्हारा हाथ उठ गया हो। मैंने सबीन से इश्क किया, तुमने अपनी दौलत से वो इश्क खरीद लिया। मुस्तफा का इश्क, लेकिन एक बात याद रखना शाहजहां, ये मुस्तफा का इश्क है। तुम्हें इतनी आसानी से रास नहीं आएगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा इश्क खरीद कर भी खाली हाथ हूँ मुस्तफा। मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर कि वो अपनी माँ के इज्जत का ख्याल रखेगा और मान कभी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, मैं सोबिया से शादी करूंगा। समझते क्या है आप खुद को? आपके घर रहती हूं तो इसका मतलब है कि आपसे शादी के लिए हाँ कह दूंगी? सोच भी कैसे सकते हैं आप ये? समझा नहीं तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कब ऐसा कहा? आपने नहीं, आपकी माँ ने कहा। क्या आपने फूफो से नहीं हम लोगों की शादी के बारे में बात की? समझा, मामा ने कहा होगा तुमसे। मैंने मना भी किया था, लेकिन इतने मासूम बनने की कोशिश ना करें। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप ही ने ये बात की है उनसे। ये मत भूलें शाहजहां कि आज मैं जिस हाल में हूँ ये सब आपकी वजह से, ये आपकी लगाई हुई आग है जिसमें आज मैं जल रही हूँ। अंगारों पे लाके खड़ा कर दिया है मुझे। मैं आपसे शादी तो क्या, आपके बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर आइंदा आपने मुझसे शादी के बारे में सोचा ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी।
और इसे मेरी धमकी मत समझो। ऑफिस आ रहे हो बेटा? जी मुस्तफा, रोज रोज इस तरह से बात करना तुम्हें नागवार गुजरता है, लेकिन मुस्तफा मैं क्या करूं? मैं मां हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। ये सब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बस इतना सोच लेना बेटा, तुम्हारे कहने पर मैंने सबीन को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब मैं एक फैसला और कर चुके हूं, तुम्हें सोबिया से शादी करनी होगी। देखो मुस्तफा, मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर कि वो अपनी मां की इज्जत का ख्याल रखेगा और मान कभी नहीं तोड़े। ठीक है, मैं सोबिया से शादी करूंगा। वाकई मुस्तफा तुम सच कह रहे हो? जी। लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त बेटा? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। ये शादी सादगी के साथ होगी। ठीक है, आप ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। तुम सादगी से शादी करना चाहते हो तो सादगी से कर लो, मुझे क्या एतराज है। जीते रहो, तुमने मेरा मान रख लिया। मुझे पता था मेरा बेटा मेरा मान नहीं तोड़ सकता। माँ, जब मैंने आपसे कहा था कि आपने उससे ये बात नहीं करनी तो फिर क्यों किया आपने? शाहज़ेन, इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है इसमें? कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस इंसान से आपने वो बात की अगर उसे वो बात पसंद ही ना हो तो फिर क्या जरूरत थी वो बात करने की? क्यों, सबीन ने तुमसे कुछ कहा है, गिला किया तुमसे? बात उसकी गिले की नहीं है, मुझे बार बार किसी का इनकार बर्दाश्त नहीं होता। देखो शाहज़ेन, इस वक्त वो बहुत दुख में है, तकलीफ में है वो बच्ची। इतनी सी उम्र में वो जिन हालात से गुजर रही है उसके लिए तो किसी पर भी भरोसा करना कुछ आसान नहीं है। इस वक्त उसको एतमाद की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद उसमें आ जाएगा, फिर वो इनकार नहीं करेगी। शायद आप ये बात भूल रही हैं कि उसका एतमाद तोड़ने में बाकियों के साथ साथ मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, आप ये बात सबीन से दोबारा नहीं करेंगे।
आंटी जब से गया है मुझे तो जैसे भूल ही गया है। खुद से तो उसने कभी भी कॉल नहीं की, हमेशा मैं ही करती हूँ। लेकिन ये अच्छा किया आपने जो आपने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ बेटा, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बेटी की तरह समझती हो ना तुम्हें। जी ठीक है, मैं बुकिंग करवा के आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, जब चाहो आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पप्पू, कोई आ रहा है क्या? हाँ, वो शाहजैन की दोस्त है शानजेब, वो आ रही है। वो इनफैक्ट तुम्हारे पप्पा की ना दूर की रिश्तेदार भी लगती है। दोनों इकट्ठे अमेरिका में पढ़ते थे। शानजेब बड़ी प्यारी सी बच्ची है, जब भी यहाँ आती है हमारे पास ही रुकती है। बहुत ज्यादा दोस्ती है दोनों में। बल्कि इनफैक्ट ये शान से तो शाहजैन के साथ शादी भी करना चाहती थी। मैं भी तकरीबन राजी हो गई थी, पर क्या बताऊं, इस लड़की की मन तक तो मेरी समझ में नहीं आती। मैंने बात की शादी की, इसने इनकार कर दिया। अच्छा एनीवे छोड़ो इन बातों को, तुम ना जरा प्लीज गेस्ट रूम तैयार करवा देना, मुझे थोड़े काम से बाहर जाना है, आ जाऊंगी थोड़ी देर। जी क्या सोबिया के साथ शादी करने का फैसला मेरा मुनासिब है? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं सबीन से भागने की कोशिश कर रहा हूं? क्या सबीन को बुलाने के लिए मेरा सोबिया को इस्तेमाल करना उसके साथ ज्यादती तो नहीं होगी? सकीना जाके गेस्ट रूम साफ कर दो। कौन आ रहा है इतनी अचानक? शाहजैन की शायद कोई दोस्त है। ओ, शानजी भी आ रही होंगी। तुम कैसे जानती हो उसे? जब शाहजैन साहब अमेरिका में पढ़ा करते थे तो हर बार उनके साथ छुट्टियों में आया करती थी और यहीं रहा करती थी। बेगम साहिबा से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे तो लगता है शाहजैन साहब की शादी करवाना चाहती है, मगर शाहजैन साहब नहीं मानते। वैसे सबीन बाजी, शादी तो आपसे भी शाहजैन साहब की हो सकती है, आखिर आप भी उनकी कजन है। जो मुंह में आता है वो तुम बोल देती हो, फजूल बातें बंद करो, जाके काम करो अपना। ठीक है। ये लीजिए चाय। अरे शुक्रिया। आपको एक खुशखबरी की बात सुनाऊं? मुस्तफा शादी के लिए रजामंद हो गया। अच्छा, ये अचानक किससे राजी हो गया शादी के लिए? सोबिया से। और किससे? सोबिया से। क्या? जी, उसने खुद कहा है मुझसे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो अचानक सोबिया से शादी के लिए राजी हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी है। मैंने आपको बताया तो है कि मुस्तफा ने खुद कहा है कि वो सोबिया से शादी के लिए रजामंद है। अब आप ही बताइए, उस लड़की ने क्या नहीं किया मेरे बेटे के साथ, वो क्यों उसका इंतजार करेगा? पता नहीं, लेकिन सच पूछो तो मेरा दिल अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जी, भाई की मोहब्बत में आप सब कुछ भुला सकते हैं इखलाक साहब, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि निकाह के लिए जुमे का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। मुस्तफा ने वैसे भी कहा है कि वो शादी सादगी से करेगा, सारी तैयारी तो हमारी मुकम्मल है, आपने निकाह का और खाने का बंदोबस्त करना है बस। मैं तो कल ही गाजी शाह के मजार पर जाकर हाजिरी दूंगी और न्याज की देख चढ़ाऊंगी शुक्रानी की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुस्तफा कम अज कम शादी के लिए राजी तो हो गया।
कल शाम से आ रही है। किस लिए आ रही है? क्या मतलब किस लिए? मुझसे ज्यादा बेहतर तो तुम्हें पता होगा ना, तुम्हारी फ्रेंड है वो और तुम्हारे पापा की कजन की बेटी भी तो है। ठीक है, लेकिन अचानक क्यों आ रही है? उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। तुम्हें फोन किया था उसने, तुमने नहीं उठाया तो फिर उसने मुझे कॉल कर दी। वैसे मैंने गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है। सबीन जी। पापा, तुमने सकीना से अच्छी तरह साफ करवा दिया था ना गेस्ट रूम? जी, मैंने सुबह ही करवा ली थी। थैंक यू, बस तुम्हें बता गई तो हो गया। ये तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर दी है, अलमारी में रख देती हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? ये पहली बार तो नहीं, हमेशा से करते आई हूँ मुस्तफा, पहले तो कभी नहीं रोका। पहले कभी ख्याल नहीं आया? नहीं जानता था कि वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। नहीं मुस्तफा, वक्त बदल जाता है, सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते। अब तो शक होने लगा, रिश्तों का वजूद होता भी है कि नहीं? रिश्ते सच्चे भी होते हैं और उनका वजूद भी होता है। अब निभाने वाले धोखेबाज निकले तो उसमें रिश्तों का क्या कसूर? इसका मतलब यही है, किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। किसी एक की बेवफाई की वजह से दूसरों के वफा पे शक करना अच्छी बात नहीं है। और हमारी शादी हो रही है मुस्तफा, उससे मोहब्बत की थी, मुझ पर एतबार करके देख लो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सबीन की सारी छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आई? वो क्या कहते हैं उसे, हाँ उत्तरन, आज भी इखलाक का फोन आया था तुम्हारे मुतालिक, पूछ रहे थे। वैसे भी उनके घर जाना है। वो किस लिए? मुस्तफा की शादी तय हो रही है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शान से आ रही है? तो पहले नहीं बताया तो अब बता रही हूँ। और इसमें ऐसा गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा को पहली बार आ रही है? हर बार तुम्हारे साथ समर ब्रेक में आती थी ना, और यहीं स्टे करती थी। अब पहले बात और थी, लेकिन अब क्या? अब क्या? यहाँ पे सबीन होती है, क्या सोचेगी वो? सबीन कुछ सोचे या ना सोचे, ये सोचना तुम्हारा मसला नहीं है। और जब तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी ही नहीं करनी, तो वो क्या तुम उसके बारे में सोचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता है, आप नहीं समझेंगी। मैं तो समझती हूँ बेटा, तुम्हें समझाना चाहती हूँ। बस आपको और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया है? हाँ हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी।
मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा, आखिर फुफ्फो हूं उसकी। और आप हो सके तो सबीन और शाहजैन को भी लेते आइएगा। हाँ ले आऊंगी सबीन को भी। हो सकता है उसे आने में तकलीफ महसूस हो, लेकिन सफदर की कमी शायद उसका चेहरा देख पूरी हो जाए। ठीक कह रहे हो, सफदर की कमी तो शायद पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सबीन की शक्ल में उसका एहसास तो महसूस कर सकते हैं। इखलाक, नफीसा को कोई एतराज तो नहीं होगा? वो क्यों एतराज करेगी, ये घर सबीन का भी तो है आपा, जब चाहे आए वो। बल्कि मेरा तो बहुत जी चाहता उससे मिलने का, उससे बातें करने का। हाँ तो आ जाओ, आके मिल सकते हो यहाँ उसको। सच पूछें तो उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं होती अब मुझमें। नफीसा ने जो सलूक किया उसके साथ, उसके बाद न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानते ही हो सबीन को। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी बात करवाती हूँ उसे। ठीक है आप। अच्छा खुदा। क्या बात है, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खुशी जो मिलने जा रही है तुम। मुस्तफा भाई अनहोनी को होनी करने जा रहे हैं तुमसे शादी करके। खुश होना तो बनता है तुम्हारा। लो भाई सोबिया, ये सब संभाल लो। मैंने तो सोचा था कि शादी धूमधाम से कर लेंगे, तुम्हें अपनी बहू पूरे अरमानों के साथ बना कर लाऊंगी, लेकिन किसी को क्या पता था हालात ने कहां लाकड़ा कर दिया हमें। लेकिन तुम फिक्र मत करना, शादी के बाद सारे चाव पूरे करूंगी अपनी बेटी के। मैं नहीं खाला, मुझे कोई गिला कोई शिकायत नहीं है। अब ऐसे भी मेरे लिए तो मुस्तफा का साथ ही काफी है। उसने शादी के लिए मेरा इंतखाब किया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी ये तो वही कपड़े नहीं है जो सबीन के लिए खरीदे थे। सबीन के लिए खरीदे थे तो क्या हुआ, इन सारी चीजों पर सबीन का नाम तो नहीं लिखा हुआ ना। और फिर मेरे लिए तो हमेशा से सोबिया ही मेरी बहू थी। वैसे एक बात कहूं? कहो। ऐसा नहीं लगता कि सबीन की सारी छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आई? वो क्या कहते हैं उसे, हाँ उत्तरन, मेरा मतलब है कि पहले मुस्तफा भाई, फिर ये सब सामान और सबीन की शादी का जोड़ा भी। तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये सब कुछ सबीन ने छोड़ा नहीं बल्कि उसे मिला नहीं, क्योंकि ये उसके नसीब में नहीं था। और सबीन ने मुस्तफा को नहीं बल्कि मुस्तफा ने सबीन को ठुकराया। अब अपने दिल को मनाने के लिए कोई भी बहाना बना लो सोबिया, लेकिन ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसने किसको छोड़ा है या छुड़वाया। सबीन जी। पप्पू बेटा ये फोन रख लो। पप्पू फोन किस लिए? देखो बेटा तुम्हारे पास फोन नहीं है और इंसान को
कई दफा कभी ना कभी जरूरत पड़ी जाती है ना। मुझे इस फोन की क्या जरूरत है पप्पू? से बात करने वाला कौन है? आप इसे वापस रख लें। क्यों? तुम्हारे ताया हैं? इतनी फिक्र करते हो तुम्हारी। आज भी इखलाक का फोन आया था, तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी, तो उनको फोन कर लेना। वैसे भी उनके घर जाना है। वो किस लिए है? मुस्तफा की शादी तय हो रही है। मुस्तफा की शादी? हाँ, इखलाक का फोन आया था, बता रहा था, हम सबको बुलाया उसने। मुस्तफा की शादी किसके साथ हो रही है पप्पू? सोबिया के साथ। दुख हो रहा है तुम्हें? नहीं। देखो सभी, जो खो जाए उसका दुख जायज है, लेकिन जो छोड़कर चला जाए उसके ऊपर तो दुख के बजाय अफसोस करना चाहिए कि वो आपको बीच रास्ते छोड़कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ है ये शाहजैन? लेने क्यों नहीं आया मुझे एयरपोर्ट? ओहो, शाहजैन का तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, और फिर भी ये सवाल कर रही हो। सो तो है, मगर आने दें उसे, पूरा हिसाब लूंगी, छोड़ूंगी नहीं आज मैं उसे। ठीक है, उसको ना छोड़ना, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। से मिलो, ये सबीन है, मेरे भाई की बेटी। कुछ अरसा पहले मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, तो सबीन को फिर मैं अपने पास ही ले आई। I'm so sorry. Nice meeting you. Come in. Sabine, तुम्हारे लिए जूस लाई थी। इसकी क्या जरूरत थी? सकीना को कह देती वो ले आती। अरे नहीं, इसमें तकलीफ कैसी, तुम मेहमान हो इस घर की, तो तुम्हारी मेजबानी करना मेरा फर्ज है। ये कह के तो तुम मुझे पराया कर रही हो। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। जानती हूँ, तुम तो खुद मेहमान हो इस घर में, तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं इस घर में मेहमान नहीं मालकिन बनने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि शाहजैन और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका में भी साथ थे। इसी दौरान मुझे शाहजैन से मोहब्बत हो गई और मैंने खुद ही शादी के लिए उसे प्रपोज भी कर दिया। आंटी भी यही चाहती थी, लेकिन उस गधे पर तो दौलत कमाने और बिजनेस को एक्सपेंड करने का भूत सवार था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए तो वो मुझे एयरपोर्ट लेने भी नहीं आया। मगर आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगी ना कि याद करेगा। इस बार तो मैं उसे मना कर ही दम लूंगी।
लेने क्यों नहीं आए मुझे एयरपोर्ट? यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया शांति, और जो तुमने किया वो ठीक था। लेने क्यों नहीं आए मुझे एयरपोर्ट? अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आंटी तुम्हें बता चुकी थी। मेरी एक मीटिंग थी, लेकिन मैं ड्राइवर भिजवा दिया था। भाई मैं क्या करूं, मुझे तो अपना बदला लेना था ना। ओह गॉड आंटी, आई कांट टेल यू, जब शाहजैन पे वो वाटर बैलून ब्लास्ट हुआ था ना, इसकी शक्ल देखने वाली थी। I just wish कि मैं वो मोमेंट कैप्चर कर सकती। भाई हंसी तो मेरी भी छूट गई थी। माँ आप इनके साथ। तो क्या करूं, पहली दफा तुम्हें इस तरह देखा था ना। वैसे ये वाटर बलून वाला आइडिया था किसका? भाई जाहिर है मेरे अलावा ये हिम्मत और कौन कर सकता है, यहाँ तो तुमने सबको डरा के रखा हुआ है। हर किसी को नहीं, हाल बता अगर कोई डर को खुद अपने पर हावी कर ले तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इखलाक के घर जाना है कल। क्यों? मुस्तफा की शादी है और उन्होंने सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट किया है।